देखिए, डाई हार्ड मार्वल फैन तो मैं भी हूँ, पर मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे ऐसी वीडियो बनाने की कभी जरूरत पड़ेगी। बट क्या करें, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कहानी को बढ़ाने से ज्यादा कैरेक्टर्स की रोस्टर को बढ़ाने पे ज्यादा फोकस किया गया। एज अ रिजल्ट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कई सारे ऐसे कैरेक्टर मौजूद हैं जिन्हें या तो ठीक से डेवलप नहीं किया गया या पूरी तरह से वेस्ट कर दिया गया, और आज की वीडियो उन्हीं पर होने वाली है। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2015 की एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन काफी हिट एंड मिस साबित हुई थी, बट यही मूवी एक्चुअली वांडा मैक्सिमोफ, विजन और पियत्रो को इंट्रोड्यूस करने के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जानी जाती है। हमारे लिए एवेंजर्स के अंदर भी एक स्पीडस्टर देखना कोई बुरा नहीं होता, बट अनफॉर्चुनेटली क्विकसिल्वर इतना ज्यादा काबिल नहीं था कि वो एक नॉर्मल बुलेट को भी आउटरन कर पाए। खैर, ये बात उनके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थी जो बिहाइंड द सीन चल रहे 20th सेंचुरी फॉक्स और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के डीलिंग को नहीं जानते थे। और जैसा कि 20th सेंचुरी फॉक्स के अंदर एवन पीटर्स ऑलरेडी क्विकसिल्वर को प्ले कर रहे थे, दो क्विकसिल्वर्स का होना इम्पॉसिबल था, जिसके कारण मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने ऐसा किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मेरी तरह मार्वल ओडीसी के फैन हैं, तो इस फैंडम को और लेवल अप कर सकते हैं उनके ऑफिशियल मर्चेंडाइजेस के साथ, जहां पर रेडवुल्फ फॉर मार्वल और डीसी ही नहीं बल्कि एनिमे, कार्टून, टीवी शोज और पॉप कल्चर के बेहतरीन टी शर्ट, हुडीज, जैकेट्स, मग्स, स्टिकर, पोस्टर और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग मर्चेंडाइजेस अवेलेबल हैं, वो भी बेहतरीन प्राइस रेंज और क्वालिटी के साथ। और यकीन मानिए, मैं भी खुद रेडवुल्फ के कई सारे प्रोडक्ट्स को यूज करता हूँ। तो फिर देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी चेकआउट करिए। अब देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें कभी हल्क मोमेंट देखने को मिला ही नहीं, बट हाँ, जो मिला बहुत कम मिला। और काइंड ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हल्क को अंडर यूज किया गया, जहां पर ऑफ कोर्स हल्क और ब्रूस बैनर की इमोशनल जर्नी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में काफी इंटरेस्टिंग रही है और इस कैरेक्टर का एक सेंटर पीस भी। बट जिस हिसाब से बाकी एवेंजर्स को कॉमिक बुक के हिसाब से जस्टिफाई किया गया था, हल्क के मामले में वो अल्ट्रा प्रो रेजिंग मॉन्स्टर एमसीयू के बहुत ही कम इंस्टेंसेस में देखने को मिला है। ऑफ कोर्स इसका एक बहुत बड़ा रीजन था हल्क की सोलो राइट्स, जिसके कारण उसे एवेंजर्स और बाकी एवेंजर्स की मूवीज और टीवी शोज के अंदर फीचर करके उसकी कहानी को डेवलप किया गया। बट इस चक्कर में वो बेसिकली ना चाहते हुए भी एक कॉमेडिक साइडकिक बन के रह गया, और फिलहाल तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सिनेरियो के अंदर हल्क तो गायब ही हो चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आने वाली है, जिसमें शायद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक सॉफ्ट रिबूट दे दिया जाए। ऐसे में इससे पहले क्या हमें वर्ल्ड वॉर हल्क देखने को मिलेगी भी या नहीं, ये तो एमसीयू डिसाइड करेगा। अगर आपने कॉमिक बुक्स नहीं भी पढ़ी है, तो आपने अलग अलग प्रकार के एनिमेटेड टीवी शोज तो जरूरी देखे होंगे, और उन सब में आपको एक उड़ता फिरता छोटे छोटे हाथ पैर वाला ये सर जरूर देखने को मिला होगा, जिसका नाम मोडॉक है। मार्वल यूनिवर्स के अंदर ये एक बहुत ही आइकॉनिक विलन है, जो एक एवेंजर लेवल थ्रेट बन जाता है, जहाँ पर इसकी कहानी और ओरिजिन स्टोरी भी अपने आप में काफी ज्यादा इमोशनल है। बट फॉर सम रीजन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इस कैरेक्टर को किसी और ही कैरेक्टर के साथ जोड़ दिया गया, और एंटमैन एंड द वॉस्प के अंदर में देखने को मिला डैरन क्रॉस का मोडॉक, जो कि रियलिटी से कहीं कहीं गुना अलग था, जहां पर ओरिजिनली मोडॉक यानी कि मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइन ओनली फॉर किलिंग एक्चुअली जॉर्ज टार्लेटन होता है, और एम के फाउंडर और उसके पिता एल्विन की वजह से ही वो मोडॉक बनता है। बट लगता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर डैरन क्रॉस के साथ इस कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने जल्दी जल्दी में निपटाया है। एंड ऑफ कोर्स, जैसा कि ये कैरेक्टर वीएफएक्स के थ्रू दिखाना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली था, इसे इसी मूवी के अंदर खत्म कर दिया गया। स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर हमें डोनाल्ड ग्लोवर का एज एरन डेविस कैमियो देखने को मिला था, जो कि अपने आप में एक छोटा कैमियो नहीं था, बल्कि एरन डेविस बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के अंदर द प्राउलर है, जो स्पाइडरमैन का एक्चुअली काफी आइकॉनिक विलन रह चुका है। बट इसकी सच्चाई इतनी सी ही नहीं है, और एक्चुअली आप में से जिन्होंने भी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी देखी होगी, वो ये बात जानते होंगे कि एरन डेविस बेसिकली माइल्स मोरालेस का चच्चा है, और एक्चुअली माइल्स के कॉन्फर्मेशन का भी हिंट इस मूवी के अंदर देखने को मिला था। बट क्या हमें डोनाल्ड ग्लोवर अपनी द प्राउलर के फॉर्म में देखने को मिलेंगे? वैसे तो वो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के अंदर एस प्राउलर कैमियो दे चुके हैं, बट लाइव एक्शन में मुझे बहुत ही कम चांस लगता है। एंटमैन की बात हो रही है, तो एंटमैन की कहानी से जुड़ा हुआ एक और कैरेक्टर है जो एमसीयू के अंदर काफी ज्यादा वेस्ट किया गया, और वो था गोलायत।
अब ऑफ कोर्स स्कॉट लैंग का एंटमैन जायंट मैन भी बन सकता है, जिसके कारण गोलायत की यहाँ पर जरूरत ऑटोमेटिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर खत्म हो जाती है। एमसीयू में इस आइकॉनिक कैरेक्टर की सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री को रेफरेंस करके बताना मेरे हिसाब से इस कैरेक्टर के साथ काफी बड़ी नाइंसाफी है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्वल डिज्नी प्लस शोज और स्पेशल्स निकालता रहता है, काफी ऑसम हुआ होता अगर डिज्नी के अंदर हमें हैंक पिम और बिल फॉस्टर की इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स और मिशंस को दिखाया जाता, तो वो काफी ऑसम और आइकॉनिक होता। बट ऑफ कोर्स डिज्नी हमें वो नहीं देना चाहता जो हम एक्चुअली उससे चाहते हैं। दूसरे मीडियम्स के अंदर अगर आपने ग्रीक गॉड्स की माइथोलॉजी को एक्सप्लोर किया है तो आप ये बात जानते होंगे कि ज्यूस सबसे पावरफुल होते हैं। बट लगता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ज्यूस को मीशो से खरीदा गया था, क्योंकि ज्यूस को थॉर लव एंड थंडर के अंदर स्कर्ट के अंदर एक मोटी थिरकते हुए इंसान की तरह ही दिखाया गया है, जहाँ पर वो बेसिकली थॉर से हार जाता है। अगर एक काफी अच्छा खासा बैटल दिखाया जाता जहाँ पर थॉर और ज्यूस का कन्फ्रंटेशन होता और वहाँ पर दो बिजली के देवताओं का आमना सामना देखने को मिलता, तो वो ज्यादा सेंस बनाता। बट अल्टीमेटली थॉर ज्यूस से ज्यादा काबिल निकला और एक ही ब्लो में ज्यूस को हराने में कामयाब रहा था। बाय द वे, एक डिलीटेड सीन भी था जहाँ पर थॉर और ज्यूस की बॉन्डिंग को भी दिखाया गया था। बट फिर भी इस कैरेक्टर को अपने फुल पोटेंशियल के अंदर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर यूज नहीं किया गया और रसल क्रो एज ज्यूस को पूरी तरह से वेस्ट कर दिया गया। बाय द वे, इस मूवी के अंदर कैरेक्टर्स को लाइन से वेस्ट किया गया है। छोटे मोटे साइड कैरेक्टर्स को मिस रिप्रेजेंट करना हम फैंस को कोई बहुत ज्यादा नहीं खलता, बट जब उन्हें पूरी तरह से मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है और उसके ऊपर से भी उन्हें पूरी तरह से अंडरमाइन किया जाता है, तब बहुत खलता है। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने स्पाइडरमैन की अल्टीमेट स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज देखी होगी तो आपने विलन टास्क मास्टर को भी देखा होगा। मेरे हिसाब से उस सीरीज के अंदर ब्लैक वीडियो के अंदर दिखाए हुए टास्क मास्टर से ज्यादा टास्क मास्टर को सही दिखाया गया है, क्योंकि कॉमिक बुक के अंदर टास्क मास्टर कोई ब्रेन डेड ड्रोन नहीं है, बल्कि एक फुली कनिंग विलन है जो अपने टारगेट को पूरी तरह से रीड करता है और उनके मूव्स को कॉपी करता है और उन्हें हराता है। खैर, देखते हैं आने वाली थंडरबोल्ट्स के अंदर ये कैरेक्टर हमें कैसा देखने को मिलता है। खैर, जब बात वेस्ट करने की आ रही है तो थॉर लव एंड थंडर के अंदर इसकी एक पूरी लिस्ट है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर लीडी थॉर यानी जेन फॉस्टर की थॉर का, जिसका एक काफी अच्छा खासा और सक्सेसफुल रन मार्वल कॉमिक के अंदर रहा है और उसी ने बेसिकली टाइका वाटिटी को इस कैरेक्टर को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इंट्रोड्यूस करने का इंस्पिरेशन दिया होगा। बट इस कैरेक्टर को सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवी के लिए देखना थोड़ा अजीब था, और पर्सनली मैं थॉर एंड लव एंड थंडर के अंदर यही चाहता था, थॉर बेसिकली किसी प्रकार से रिटायर हो जाए और उसकी लेगेसी को जेन फॉस्टर कुछ समय तक के लिए आगे बढ़ाए, जब तक के लिए हमें ऑफिशियली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बीटा रे बिल देखने को नहीं मिलता। बट शायद मार्वल ये ऑलरेडी जानता था कि जेन फॉस्टर की थॉर फैंस के ऊपर अपना कोई खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएगी, साथ ही साथ उनका शायद कोई प्लान ही नहीं है बीटा रे बिल को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इंट्रोड्यूस करने का। खैर, इसी मूवी के अंदर हम कैसे भूल सकते हैं कि हमें गॉर द गॉड बुचर भी देखने को मिला था, जहाँ पर एक्चुअली इसके डिजाइन को मार्वल कॉमिक से तो पूरा का पूरा रिबिल्ड किया गया ही था, बट अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर क्रिश्चियन बेल ने इस कैरेक्टर को अपनी तरफ से काफी अच्छे खासे और कंपेलिंग तरीके से प्ले किया था। बट सैडली इस कैरेक्टर को उतने अच्छे से लिखा ही नहीं गया था जो कोई लास्टिंग इम्पैक्ट फैंस के ऊपर छोड़ पाए, और जो इमोशनल इम्पैक्ट और क्रीपीनेस गॉर द गॉड बुचर का मार्वल कॉमिक्स के अंदर देखने को मिला था, सेम चीज मूवी के अंदर नहीं हो पाई। एंड ऑफ कोर्स क्रिश्चियन बेल एज गॉड द गॉड बुचर पूरी तरह से वेस्ट कर दिए गए। अगर आप ये कहते हो कि आपके पास सुपरमैन जैसी पावर्स हैं, फिर भी आप एवेंजर्स का साथ नहीं देंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसी पावर्स का क्या फायदा? हाँ, बेसिकली मैं जानता हूँ कि उनका इंटरफियर ना करने का एक रूल था जो वो तोड़ना नहीं चाहते थे, बट ऐसे में अपनी पावर्स होने के बावजूद भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल ना करना, आप इसे वेस्ट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? हाँ, अगर ऐसा होता कि नील गैमन की द इटर्नल्स कॉमिक बुक की तरह इस मूवी के अंदर भी इटर्नल्स अपनी पावर्स या अपनी आइडेंटिटी को भूल चुके होते और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल न करना जानते होंगे, तब मैं समझ सकता हूँ कि इटर्नल्स मूवी के अंदर उनका एवेंजर्स के साथ न दिखने का कोई सेंस बनता है। शायद यही रीजन है कि फैंस ने इन कैरेक्टर्स को उतने अच्छे से रिसीव नहीं किया, जिसके कारण इनका फ्यूचर भी कुछ खास सेट नहीं है।
सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि और कौन कौन से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कैरेक्टर्स हैं जिन्हें देखकर आपको लगता है कि उन्हें वेस्ट किया गया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नए वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।